13 शराब तस्कर गिरफ्तार, 284 लीटर जब्त शराब। जिले में आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक गुना विजय कुमार खत्री द्वारा जिले में विभिन्न नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त माफियाओं पर सख्ती से कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थों को निरंतर निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना मान सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले में पुलिस द्वारा विभिन्न नशा माफियाओं पर एक के बाद एक कार्यवाहियां की जा रही हैं। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त आरोपियों पर सख्ती से कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही के दौरान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 284 लीटर अवैध शराब, कुल कीमती करीबन 30,000 रुपए सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर अलग अलग 13 प्रकरण पंजीबृत किए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन कर रहे 4 शराबियों एवं गांजे का सेवन कर रहे एक व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है। देखिए, किसी के ऊपर इस तरह की बात कर देना कि वो पक्षपात कर रहे हैं या निष्पक्ष कर रहे हैं, ये तभी हो पाता है जब उसके खिलाफ कोई शिकायत हमें मिले और वो प्रमाणित हो। तो मैं बस यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस तरह की कोई हरकत या किसी का कार्य कृत्य मुझे ऐसा मिलेगा तो मैं उसको बहुत सख्ती से उसके साथ पेश आऊंगा और इस तरह की स्थिति में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाकी इस तरह का सर्टिफिकेट देना तो संभव ही नहीं है कि पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगे या पूरी तरह से, क्योंकि पुलिस का काम कुछ ऐसा है कि कितना भी हम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करें, हमेशा ही जिसके ऊपर कार्रवाई होती है वो लोग ये इनके कारण किसी न किसी तरीके से कोई न कोई पॉइंट निकालकर आरोप लगाते ही लगाते हैं। इसलिए इस बहस और इस जांच में तो सदियां बीत गई हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर ये आरोप लगते ही रहे हैं। पुलिस चाह के भी उसको काम करना ही पड़ता है, यदि रिपोर्ट है तो हमें करना ही पड़ता है। कई बार एक पक्ष कहता है कि झूठी रिपोर्ट है, दूसरा पक्ष कहता है हमारी रिपोर्ट सही है, तो हम तो कानून के दायरे में रहकर के हमें काम करना ही पड़ता है। तो हम प्रयास यही करेंगे कि हमारी गुना पुलिस निष्पक्ष होकर काम करे और उसके लिए उससे जो भी सख्ती के साथ अनुशासन में लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। आती है और मैं पुलिस को भेजता हूं तो वहां यदि कोई खड़े हैं एकदम से उनके ऊपर ये चीज अधिरोपित नहीं की जा सकती कि वो वहां बैठकर के दारू पी रहे थे। कहने का आशय ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कार्रवाई की तुलना में पुलिस का वहां जाकर के और चीज को डिस्पोजल करना वो ज्यादा कारगर होता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये अब लोकतंत्र है और इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब 4 लोग खड़े हैं उनके ऊपर आरोप लगा दो कि ये दारू पी रहे थे, उनको लेके जाके बंद कर दो। तो जितनी कार्रवाई है ये सब प्रतीकात्मक ही होती है। उद्देश्य हमारा ये है कि लोग इस तरह से अंधेरों में और रोडों पर खड़े होकर के दारू ना पिए, किसी की मौत ना हो।